शो कथा अनकही में कथा को आई अपने पुराने दिनों की याद। आखिर किस बात को याद करके कथा हुई अपसेट। दरअसल कथा अपने देवर और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच चल रहे प्रॉब्लम के लिए सपोर्ट करने के लिए और दोनों को समझाने के लिए उनके साथ जाती है। जहां दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और झगड़े चल रहे होते हैं, तो कथा उन दोनों की ही गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन ऐसा करते करते उसे भी अपना पास्ट याद आ जाता है और अपना पास याद करके कथा काफी ज्यादा दुखी होती है। एक तरफ व्यान है जो आरव को चेयर करने के लिए उसके कराटे कंपटीशन में पहुंचा है और इस बात से कथा अनजान है। और यहाँ पर कथा अपने देवर और उसकी गर्लफ्रेंड की प्रॉब्लम को सुलझाते हुए खुद अपने पास को याद कर रही है और काफी ज्यादा दुखी हो रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपके देवर उनकी गर्लफ्रेंड के बीच कुछ इश्यूज हैं जो आप सॉल्व करेंगे क्या? हाँ, सो आई फिगर आउट कि मेरे जो देवर हैं, युवराज का अफेयर चल रहा है मीरा के साथ, जो मेरी ऑफिस में काम करती हैं। और जब मुझे पता चलता है तो मैं अपनी तरफ से, मैंने पहले मीरा को समझाती हूँ, फिर मैं युवराज से बात करती हूँ और फिर मैं उन दोनों को मिला रही हूँ द रेस्टोरेंट। वो खुद ही मिल रहे हैं एंड दे आर सॉर्टिंग आउट जो भी उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी। पास नहीं याद आता है, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज मैं, मुझे मेरी लाइफ में भी कोई कोई अभी नई नई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है उसे क्लियर करना चाहिए। आगे यही ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे कि बिकॉज देयर इज अ, अभी तो ट्रायल ही चल रहा है मिस्टर रघुवंशी का, उसका समअप होगा और उसके बाद वियान आरव को जानता है और वो उनके बीच में दोस्ती है, रॉबिन बैटमैन, ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता है, सो आई थिंक आई गेट टू नो अबाउट इट। लेकिन कथा उनमें से नहीं जो कमज़ोर होकर अपने प्रॉब्लम्स की वजह से निराश हो जाए, बल्कि कथा तो वो है जो हर दिक्कतों से, हर परेशानी से अकेले ही लड़ सकती है। तुम कुछ एक्सपेक्ट करते रहते हो, मैं कुछ एक्सपेक्ट करती हूँ, ना जाने कितने ही साल हो सकते हैं, पर हम दोनों के बीच नहीं।